हेलो फ्रेंड्स दिस इज सोनाली जैन एंड वेलकम यू टू ऑल इन टूडेज सेशन आज के सेशन में हम सी का पार्ट टू कंप्लीट करने वाले हैं जहां पर हम इन्वयरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे थे जिसका पार्ट वन अपलोड हो चुका है आज हम पार्ट टू में कुछ और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है प्रीवियस वीडियो की या फिर आप प्ले में जाकर भी वहाँ पर सी सेशन है वहाँ जाकर भी उसको पूरा देख सकते हैं ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण है तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ही है जो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण पाए जाते हैं ठीक है ठीके? और वन जो बोल सकते हैं कि वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो वन क्षेत्र भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है इसलिए आप वन्य जीव भी याद रख सकते हैं साथ ही आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ पर सबसे कम कहाँ पर है तो सबसे कम जो है वो है हमारे हरियाणा में ठीक है तो आप ऐसे इंटर रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है लाइक like, साइबेरियन जो प्रकार है सारस का वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं ठीक है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट बात करते हैं भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर बात की जा रही है फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको कहा देखने को मिलेगा अगर आप किस स्टेट में जाते हैं तो अगर आप मणिपुर में जाते हैं केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क करके है जो कि विश्व का मतलब इंडिया का ही नहीं विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है ठीक है और अभी बहुत सारे बोल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं लाइक तैरता हुआ मार्केट कहाँ पर है तैरती हुई बैंक कहाँ पर है इस तरीके के तो अभी हम ये याद रखते हैं कि मणिपुर के जो केईबुल लामजाव है वो विश्व का एकमात्र फ्लॉटिंग नेशनल पार्क है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो ऑस्ट्रेलिया का जो द ग्रेट बेरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में पाई जाती है समताप मंडल का जो नीचे वाला भाग होता है वहां पर 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यह स्थित रहती है देखो चार मंडल होते हैं शोभ पहला जो रहता है वो शोभ मंडल रहता है दूसरा समताप मंडल तीसरा रहता है मध्य मंडल और चौथा जो रहता है वो हमारा रहता है आयन मंडल शोभ मंडल जहाँ पर व्यक्ति रहता है समताप मंडल जहाँ पर एक ओजोन लेयर पाई जाती है चलो इसको अपन क्या करते हैं एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं ये क्या हो गया सबसे पहला जो है हमारा है वो है शोभ मंडल फिर है मेरा समताप मंडल फिर मध्य मंडल पहले एक बार मैं हिंदी में नाम बता रही हूँ फिर आता है लास्ट में हमारा आयन मंडल ठीक है शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर शोभ के बाद आता है समताप यानी कि स्टेटोस्फियर फिर मेजोस्फियर और लास्ट में आता है हमारा थर्मोस्फियर अब शोभ मंडल की जो होती है ऊंचाई कहाँ तक होती है तो जीरो से लेकर बारह किलोमीटर तक जो फैला हुआ रहता है वो ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल रहता है फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक रहता है समताप मंडल जिसमें 15 से या बोल सकते हैं 12 से लेकर 35 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन लेयर ठीक है सिर्फ इतनी सी पाई जाती है ओजोन लेयर उसके बाद हमारा वही समताप मंडल रहता है उसके बाद मध्य मंडल पचास से अस्सी किलोमीटर तक रहता है हल्का फुल्का सा बोल सकते हैं इसमें वेरिएशन रहता है एक दो किलोमीटर का हालांकि ये बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू है पचास से अस्सी किलोमीटर तक मध्य मंडल रहता है और अस्सी किलोमीटर के ऊपर जो रहेगा वो रहेगा हमारा आयन मंडल तीन सौ बीस किलोमीटर तक ठीक है अब आयन मंडल में क्या होता है लाइक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रहती है जियो सिंग्रोनस सैटेलाइट वो सारी सेटेलाइट वगैरह वहां पर स्टेब्लिश रहती है और ये उल्का पिंड की गति और ये सारी चीजें उल्का पिंड वगैरह ये मेजोस्फेयर में पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी कि टोपोस्फियर से थोड़ा ऊपर एरोप्लेन वगैरह का उड़ना और जो भी एक्टिविटीज होती है एटमोस्फियर से रिलेटेड वो यहाँ पर होती है ठीक है ठीक है तो चारों लेयर हमको याद हो गई है और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये समताप मंडल में पाई जाती है और उसके निचले जो भाग होता है नीचे वाला भाग दो पार्ट होते हैं तो नीचे वाले भाग में पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर तक ये पाई जाती है और बारह से पचास उसकी वो हो गई बोल सकते कितना एल्टीट्यूड हो गया उसका नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना हुआ है पृथ्वी के नजदीकी वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी का नजदीकी वायुमंडल कौन सा है जो हमारा शोभ मंडल है तो वहाँ पर अधिकता से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ठीक है और एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है सेवेंटी उसका परसेंटेज रहता है चलो तो इसको भी परसेंटेज के थ्रू हम देख लेते हैं ताकि सारी की सारी चीजें एक ही साथ कवर हो जाए अब यहाँ पर देखो कि नाइट्रोजन का कितना ज्यादा परसेंटेज है जो पिंक कलर में शो किया हुआ है सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट फोर परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है ऑक्सीजन ट्वेंटी परसेंट पाई जाती है ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट इसलिए उसको ट्वेंटी वन परसेंट बोला जाता है ठीक है ऑक्सीजन ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर सिक्स परसेंट अब जो रिमेनिंग ग्रेसेस रह जाती है थो, थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नियोन हीलियम, हाइड्रोजन ये सारा पॉइंट परसेंट रहती है ठीक है जैसे जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो सेवन परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो गई नियॉन जो हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एट वन एट परसेंट हो गई हीलियम हो गया जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव टू फोर परसेंट सी एच फोर जो परसेंट हो गया उसका बहुत मिनिमम होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन के अप्रोक्स और हाइड्रोजन जो रहती है जीरो पॉइंट फोर टाइम जीरो डबल फाइव और इसी तरीके से क्रिप्टॉन भी रहती है मेनली हमको नाइट्रोजन याद रखना है ऑक्सीजन याद रखना है और आर्गन आप याद रख सकते हैं और साथ ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप याद रख सकते हैं ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन फ्यूचर अगर आपका एग्जाम हो तो उससे पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें नेक्स्ट uh, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो ऑस्ट्रेलिया में द स्थित द ग्रेट बेरियर ब्रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है आई थिंक अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं ये रिपीट हो रहा है ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है तो देखो ये हरेला पर्व जो होता है वो पौधारोपण से संबंधित होता है मतलब कि बोल सकते हैं जो प्लांटेशन होता है उससे रिलेटेड होता है इसी तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ठीक है जब नया साल स्टार्ट होता है तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला पर्व जो कि संबंधित है पौधारोपण से खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है जब हम पूरा इकोसिस्टम पढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते तब वहां पर एक फूड चेन आती है वहां पर मानव क्या करता है तो वहां पर मानव का जो रोल रहता है वो मानव प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का खाद्य ग्रहण करता है ठीक है यहाँ पर मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी और साथ ही द्वितीय उपभोक्ता भी है क्योंकि वह शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है ठीक है तो हम एक काम करेंगे हम नेक्स्ट टाइम जो है पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है तो का जो पौधा रहता है का जो पेड़ रहता है उसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि वो क्या करता है कि जो बोल सकते हैं उसकी काफी लंबा रहता है और उसकी जड़े जो है काफी अंदर तक फैली रहती है और उसकी वजह से जो पृथ्वी का जल स्तर है वो घट जाता है और निकटस्थ तो जो भूमि है उसके आसपास की जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति का हास हो जाता है इसीलिए को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है है ठीक तो आप वृक्ष में याद रखेंगे कि कौन से वृक्ष को माना जाता है तो यूके लिप्टस को माना जाता है क्योंकि वो जितना लंबा होगा उसको उतने ही ज्यादा बोल सकते पानी की जरूरत होगी उतनी ही अच्छी मिट्टी उर्वरा शक्ति उसको ज्यादा लगेगी इसलिए आसपास की भूमि की जो उर्वरा शक्ति हो जाती है वो नष्ट होती रहती है धीरे धीरे ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है क्योंकि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो रहता है उसके दो प्रकार होते हैं मतलब दो टाइप में उसको कैटेगराइज किया हुआ है पहला जो रहता है वो हमारा रहता है प्राकृतिक ठीक है नेचुरल और दूसरा जो रहता है वो मैनमेड यानी कि कृत्रिम रहता है अब प्राकृतिक के अंदर दो वापस से उसको कैटेगराइज किया हुआ है प्राकृतिक के अंदर आता है स्थलीय और दूसरा आता है जलीय तो जलीय के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है लाइक नदी झरना समुद्र तालाब झील ये सारी चीजें जो है जलीय स्त्रोत रहती है और सबसे ज्यादा यही चीजें पाई जाती है ठीक है और स्थली भी बता देती हूँ स्थली में आपके मैदान आते हैं मरुस्थल आ गए वन आ गए पर्वत आ गए पठार आ गए ये सारे आपके स्थली में आते हैं और कृत्रिम में क्या आएंगे जैसे खेत आ गए बगीचे आ गए चारागाह आ गए एक्वेरियम आ गए ये सारी चीजें मैनमेड में आती है

पौधों की पत्तियां वगैरह ना मिले तो वो भूखा ही मर जाएगा ठीक है इसीलिए सर्वाहारी क्या होता है लाइक उसको कुछ खाने को ना मिले तो वो छोटे मोटे जानवरों को खाकर भी अपना जीवन यापन कर पाए इसीलिए सर्वाहारी जो रहता है उच्चतम पोषण प्राप्त रहते हैं क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण की प्राप्ति होती है ठीक है आपने देखा होगा कि जंगल में रहता है ये बहुत सारी बार वर्षा की कमी के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वो इसी तरीके से मर जाते हैं ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थिति के जनक किसे माना जाता है पारिस्थिति के जनक जो है वो माना जाता है जर्मन के वैज्ञानिक जो है अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथमस्थिति के शब्द का प्रयोग किया था प्रीवियस सेशन में अपन ने यही क्वेश्चन देखा था उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था कि पारिस्थिति के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था और उन्हीं को बोल सकते हैं कि पारिस्थिति का जनक माना जाता है और ये कौन है ये एक जर्मन वैज्ञानिक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया तो ए जी टॉन्सले के द्वारा सर्वप्रथम उनके द्वारा इसको डिफाइन किया गया था पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है तो आपने सभी ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी सुना होगा तो ये उन्हीं का नारा है मतलब ये जो पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है यह चिपको आंदोलन से रिलेटेड है और किसके द्वारा दिया गया तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये दिया गया और ये कनेक्टेड है चिपको आंदोलन से नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अपन बात करेंगे कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधी जो वर्षा वाले वन होते हैं वहां पर अलग अलग आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधी वर्षा वाले वनों में पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द ग्रेट इंडियन मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो ये भारत के जो है पश्चिमी घाट वाले जो वन होते हैं वेस्ट साइड वाले जो वन है वहां पर ये पाए जाते हैं तो बस इतना ही याद रखना है पश्चिमी घाट क्षेत्र वाले जो वन होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन स्टार्ट किया गया ठीक है सेव यानी कि सेविंग करने वाला ठीक है तो सेव का उद्देश्य क्या है तो टाइगर का संरक्षण करना ज्यादा से ज्यादा टाइगर की सेविंग करना क्योंकि इनकी आबादी जो है वो भी बहुत खत्म होती जा रही है तो इनको बचाना ही उसका लक्ष्य है तो उस नाम से एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है एस ए वी इ सेव नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कहाँ का इंडिया का ओके okay, तो ये था आज का सेशन आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैं एक बार की तंत्र डिस्क्राइब कर दूं आ, पूरा डेफिनेशन के साथ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो वीडियो भी रेडी कर दूं आप लोगों के लिए ओके थैंक यू